तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं केक की ऐसी रेसिपी जो कि 5 मिनट में बनती है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से प्लेट ले लीजिए, उस पर इस तरह से थोड़ा सा क्रीम लगा लीजिए। ये मैंने व्हिप्ड क्रीम थोड़ी सी लगा ली है ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से सेट हो जाए। ब्रेड को इस शेप में काटने की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रेड की 3-3 लेयर को तैयार कर लिया है। इसे बिल्कुल इस तरह से जो पहली लेयर है उसे रख दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर दीजिए शक्कर वाला पानी। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच शक्कर लिया और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे घोल लिया है। आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर से व्हिप्ड क्रीम को डालेंगे, बिल्कुल इस तरह से फैला देंगे। दोस्तों व्हिप्ड क्रीम बनाने की रेसिपी मैंने हाल ही में अपने चैनल पर शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे भी चेकआउट कर लें। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने इस रेसिपी को बताया है। तो यहाँ पर हमने सेकेंड वाली जो लेयर है ब्रेड की जो हमने कट करके रखी थी उसे लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो सेकेंड लेयर के बाद हमें वही स्टेप फॉलो करना है। अगेन हम इसके ऊपर से पहले सीरम लगाएंगे जो हमने शक्कर का तैयार किया है। इससे क्या होता है, ब्रेड बहुत ही स्पॉन्जी हो जाता है और खाने में टेस्टी आता है। तो ऊपर से इस तरह से हम क्रीम लगा देंगे। बिल्कुल इस तरह से करते हुए हमने 2 लेयर तैयार कर ली है। अब हम थर्ड वाली जो लेयर है उसे भी तैयार कर लेंगे। इसे भी हमें सेम प्रोसीजर में करना है। इस तरह से थर्ड लेयर लगा लीजिए और ऊपर से सीरम को लगाइए, उसके बाद क्रीम लगाइए। दोस्तों यदि आपको चॉकलेट केक की रेसिपी या बिस्किट केक की रेसिपी चाहिए तो मैंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपने चैनल पे ये दोनों रेसिपी शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर से क्रीम लगा दिए है, जो हमारी थर्ड लेयर है वो भी तैयार हो गई है। इस क्रीम को हम बहुत ही अच्छे से बिल्कुल इस तरह से लगाएंगे स्पैचुला की मदद से, बिल्कुल इस तरह से। दोस्तों अगर आपके पास स्पैचुला ना हो तो आप चक्कू से भी इसे इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रीम को चारों तरफ से अच्छे से इस पर लगा दिया है। अब हमें करना क्या है, किसी भी इस तरह से जिससे हम ब्रेड पे जैम लगाते हैं इस तरह के सांचे से हम इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे और एक डिज़ाइन निकाल देंगे, बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे करते हुए और एक साइड से इस तरह से करते हुए। तो हमारी डिज़ाइन बहुत ही नॉर्मल आसान तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट जो केक है वो रेडी हो चुका है। दोस्तों इस केक को बनाना बहुत आसान है, आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं, वो भी 10 मिनट में। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से चौकोन करके यहाँ पे इसे थोड़ा सा ऊपर से डिज़ाइन दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है जेली, जो स्ट्रॉबेरी जेली होती है वो वाली चॉकलेट ली है। इसे कट कर लेंगे हम और निकाल लेंगे। तो डेकोरेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है क्रीम थोड़ा सा और उसमें ऐड किया है कलर और वेनिला एसेंस, और उसके बाद मैंने इसमें इस तरह से कोई भी आप नोज़ल को ऐड कर लीजिए। अगर नोज़ल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर की कोई भी पन्नी ले लीजिए, पॉलीथीन ले लीजिए, उसे कट कर लीजिए और इस तरह से क्रीम को ऐड करते हुए निकाल लीजिए। और उसके बाद जो हमारा डेकोरेशन का सामान है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चॉकलेट्स भी रेडी हैं और हमने यहाँ पर पाइपिंग बैग में क्रीम भी भर लिया है। तो अब हम इसे डिज़ाइन निकाल लेंगे। तो डिज़ाइन निकालने के लिए बिल्कुल इस तरह से करते हुए आप राउंड राउंड करते हुए कोई भी डिज़ाइन निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप टेंशन ना लें, मैंने ऑलरेडी इसकी भी रेसिपी चॉकलेट केक में बताई है कि आपके पास नोज़ल ना हो तो आप पॉलीथीन पे किस तरह से डिज़ाइन निकाल के केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से करते हुए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन निकाल लिया है बिल्कुल ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें ऐड कर देना है जो हमने स्ट्रॉबेरी चॉकलेट लिया था जेली वाली, तो इसे बिल्कुल इस तरह से ऐड कर लीजिए। आप चाहें तो चेरी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे डेकोरेट कर लिया है इस तरह से। तो जेली वाली चॉकलेट हमने लगा दी है, अब हमें इस तरह से डिज़ाइन निकालना है बिल्कुल इस तरह से करते हुए कॉर्नर साइड से पकड़ कर, और इस तरह से एक एक लाइन हम डालते हुए चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर चारों तरफ से। और उसके बाद मैंने एक साइड से इनके बीच में से एक लाइन डाली है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले इस तरह से लंबी लंबी लाइन लगा ली है, ऊपर से बीच में बस इस तरह से इसे बीच में से पकड़िए और इसे बीच में इस तरह से लाइन डालते हुए केक को डेकोरेट करते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल इजी तरीके से।
तो अब हमारा केक ऐसे ही सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा और डेकोरेशन कर देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से बीच बीच में इस तरह से हमने डॉट भी डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा केक है वो रेडी हो चुका है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इस केक को तैयार किया है। तो केक की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और झटपट केक बनने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी ये बताना ना भूलना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इसे रेडी होने के बाद 10 मिनट फ्रिज में रख दीजिए, अगर फ्रिज नहीं है तो 10-15 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। केक हमारा जो है अच्छी तरह से रेडी हो गया है, खाने के लिए कितना टेस्टी लग रहा है।